तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूसीओ बैंक के स्टॉक के बारे में। यूसीओ बैंक के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको यहाँ पर स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया जिसके बाद अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। लेकिन आज हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 8.85% की यहाँ पर एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से भी स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से भी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 37.55 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी गिरावट, एक हैवी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर जो स्टॉक में ट्रेंड है वो हायर हाई वाला ट्रेंड है। लेकिन अगर स्टॉक ने यहाँ पर अपने इस लो को ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक लोअर लो वाला ट्रेंड यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो अगर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 35.45, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 33.70 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 31.15 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट स्टेप ऑफ सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यह सब रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर अभी स्टॉक में 40.30 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 42.55, देन यहाँ से हमको स्टॉक में 46, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 50 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 55 और 60 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट स्टेप पर रेजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।